हो सकता है। वास्तव में वहां पर करोड़ों करोड़ों तरह की विशेषताएं हैं और इसीलिए सिद्धाश्रम को सिद्धाश्रमोपम स्वर्गम मदैव तुच्छामृताम पूर्वमदैव तुल्यम, संपूर्ण ब्रह्मांड और स्वर्ग सिद्धाश्रम के कर्ण की भी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर मृत्यु नहीं है, वहां पर वृद्धावस्था नहीं है, जर्जरता नहीं है, कृष्णता नहीं है, दुर्बलता नहीं है, दीनता नहीं है, दुख नहीं है, दैन्य नहीं है, पलायन नहीं है, चिंताएं नहीं है, एक उमंग है, उत्साह है, उछाह है, एक यौवन है, एक सौंदर्य है, वहां पर एक मस्ती है, थिरकन है, और सारा वन प्रांत सैकड़ों तरह के पुष्प, सैकड़ों तरह के वृक्ष, सैकड़ों तरह के देवदारू, सैकड़ों तरह के पहाड़, देवता सन्यासी और योगी यत्र तत्र विचरण करते हुए मुक्त भाव से एक दूसरे को देखते हैं और मस्ती में झूमते हुए अपने जीवन में विचरण करते हैं। इसलिए पूरे सिद्धाश्रम को तो मैं कुछ शब्दों में नहीं मान सकता, मगर फिर भी उसकी जो विशेषताएं हैं वे अपने आप में अद्वितीय हैं, अनुपम हैं और देखने लायक। ऐसा तुम्हारा कभी सौभाग्य बने कि तुम सिद्धाश्रम जा सको, अपने जीवन में उस आनंद को देख सको, अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सको। तो हुए भी इसका कम पुस्तकों में उल्लेख मिलता है, उसके बारे में आप पूरा बताइए। जीवन में देखा ही नहीं वे उसका वर्णन कर भी नहीं सकते, जिन्होंने जीवन में अनुभव किया ही नहीं वे उसका उल्लेख कर भी नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बहुत ही कम साधक और योगी उस सिद्धाश्रम में जा सके, और अधिकतर सन्यासी वह चाहे विश्वामित्र हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे कणाद हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गर्ग हो, चाहे त्रि हो, चाहे गौतम हो, वे उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सके, तो वे केवल सिद्धाश्रम शब्द का वर्णन करके ही रह गए। मगर गीता में तो इसका पूर्ण रूप से वर्णन है, वेदव्यास श्रीमद् भागवत में इसका पूर्ण रूप से विवरण वर्णन दिया है, कृष्ण ने स्वयं कहा है कि चिंत्यो वतां पूर्णमदैव रूपम आत्रैव पूर्व सिद्धाश्रमो वः, जीवन में मैंने पूर्ण सोलह कला का ज्ञान चिंतन प्राप्त किया है, पर सिद्धाश्रम के मुकाबले में अन्य कोई स्थान और वर्णन नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं है, ऋग्वेद में इसका वर्णन है, यजुर्वेद में इसका उल्लेख आया है, वेदव्यास ने इसका उल्लेख किया है, कृष्ण ने गीता में स्वयं इसका उल्लेख किया है और शंकराचार्य ने इसके ऊपर अपनी स्तुति रचनाएं की है, गोरखनाथ ने इसके बारे में बोला है, मगर फिर भी वे सब मिला के कुछ नगण्य है, और उनका वर्णन तो वही कर सकता है जो स्वयं वहां जा सका हो, जहां वहां देख सका हो, वापिस आ सका हो। इसलिए अधिकतर धार्मिक ग्रंथों में केवल देवताओं की कल्पना की है, उन स्थानों का सिद्धाश्रम का वर्णन विवरण नहीं आया है, नहीं आने के पीछे उनका खुद का सत्य नहीं था, उन्होंने खुद ने उसको देखा नहीं था, वे चाहे अपने आप में श्रेष्ठतम योगी तो थे, चाहे उन्होंने ब्रह्म की साधना भी की हो, मगर ब्रह्म को अपने आप में आत्मसात नहीं कर सके, नहीं कर सके तो वहां नहीं जा सके, और नहीं जा सके तो उनका अनुभव भी नहीं कर सके, अपने ग्रंथ में उनको नहीं दे सके। फिर भी सैकड़ों उपनिषद हैं जिनमें उनका वर्णन विवरण है, सैकड़ों धार्मिक और प्रवचन ग्रंथ हैं जिनमें उनका उल्लेख आया, मगर बहुत ही जो कुछ संसार में पढ़ने को ग्रंथ मिले हैं उनमें कम है। उच्च कोटि के जो उपनिषद हैं, उच्च कोटि के जो वेद हैं, उनमें उनका विवरण आया है, उल्लेख भी आया है, और कृष्ण ने तो स्वयं कुल 24 श्लोकों में सिद्धाश्रम का वर्णन किया। कृष्ण जैसा युग पुरुष यदि उसका वर्णन करता है, राम जैसा अपनी सीता को कहता है कि सीते जीवन की पूर्णता सिद्धाश्रम में जाने में है, वाल्मीकि अगर कहते हैं कि जीवन का सत्य सिद्धाश्रम है, वशिष्ठ कहते हैं कि मेरे जीवन का सौभाग्य हो कि मैं सिद्धाश्रम में जा सकूं, विश्वामित्र कहते हैं कि मैं संपूर्ण देवताओं को अपनी मुट्ठी में कस करके चूर करके फेंक देना चाहता हूं, मगर मेरी इच्छा सिद्धाश्रम में जाकर के विचरण करने की है। तो ये सारे योगी और ये सन्यासियों के शब्द कथन इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने सिद्धाश्रम का नाम सुना है, वे गए हैं, उनमें से कई लोग जा सके हैं और उनका वर्णन आया है। इसलिए भौतिक ग्रस्त जीव और ग्रंथ और पुस्तकों में शायद उनका वर्णन कम आया हो, क्योंकि उनको उसका महत्व ज्ञान ही नहीं है, और जो ज्ञान नहीं है तो वे न उसकी चर्चा कर सकते हैं, न उसके बारे में जान सकते हैं, इसलिए उसका उल्लेख कई पुस्तकों में शायद नहीं है। विज्ञान अपनी चरम सीमा में पहुंच चुका है, उसने विभिन्न प्रकार के रॉकेट और वायुयान बनाए हुए हैं, तो उसकी दृष्टि से और सिद्धाश्रम की अपनी भौगोलिक दृष्टि से क्या वो विज्ञान के माध्यम से वहां पहुंच सकता है? उसकी अपनी सीमा है, जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से ज्ञान का प्रारंभ होता है। इसलिए विज्ञान ने रॉकेट और वायुयान तो बना दिए, मगर वे जन्म के रहस्य को नहीं समझ पाए,
उन्होंने आकाश में विचरण तो किया मगर वे मृत्यु को समाप्त नहीं कर पाए। और अभी उस विज्ञान में यह भी क्षमता नहीं आ पाई कि इस दीवार के उस पार क्या हो रहा है वो नहीं देख सकते, उनकी दृष्टि स्थूल रही। वह चाहे उच्च कोटि का वैज्ञानिक तो हो सका, वो वायुवाग में तो उठ सका, मगर यहां से 25-5 फीट दूरी पर जो दीवार है, दीवार के पीछे क्या चीज है, वहां कौन लोग विचरण कर रहे हैं, वो भी नहीं देख सकता है। इसलिए कि उस स्थान को, सिद्धाश्रम को देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। और वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर चाहे वायुवाग में बैठ करके देखें तो देख सकता है, चाहे यहां बैठे हुए देख सकता है तो देख सकता है, या सूक्ष्म शरीर से जाकर के देखना चाहे तो देख सकता है, क्योंकि यह स्थान मानसरोवर और कैलाश पर्वत के आगे करीब 160 मील दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है, जो चारों तरफ उच्च कोटि की पहाड़ियों और कैलाश के कुछ भूभाग से स्थित है। यदि आपने कभी मानसरोवर की यात्रा की हो तो उसका एक भाग मानसरोवर है, एक भाग कैलाश पर्वत है, उसके अंतिम भाग में ब्रह्म सरोवर है और उसके एक भाग में विष्णु तीर्थ है। इसलिए रुद्र, ब्रह्म, विष्णु और मानसरोवर, इन चारों स्थानों के बीच का जो भूखंड है वह सिद्धाश्रम है, जिसको वायुयान के माध्यम से देखना संभव नहीं है, रॉकेट के माध्यम से देखना संभव नहीं है। वह केवल सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, सूक्ष्म प्राणों के माध्यम से या दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही देखा जा सकता है या पहुंचा जा सकता है। इसीलिए वैज्ञानिकों की आंख एक चरम चक्षु है और ये आंख उस सिद्धाश्रम को नहीं देख सकती, उसके लिए आत्मचक्षु की जरूरत पड़ेगी, आत्मज्ञान की जरूरत पड़ेगी। और ऐसी आत्मज्ञान, ऐसे आत्मचक्षु प्राप्त करने पर ही उस स्थान को देख सकता है, विचरण कर सकता है और पहुंच सकता है। हमारा ये सौभाग्य है कि हम स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य हैं। जैसा कि हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी सिद्धाश्रम ले जा सकते हैं, हमें इस बात पर गर्व है, क्या आप हम लोग को सशरीर सिद्धाश्रम ले जा सकते हैं? प्रश्न व्यक्तिगत कर लिया है और मैं इस प्रश्न से बचना चाहता था। मेरा सन्यासी जीवन बड़ा तेजस्वी और उग्र रहा है और बड़ा प्रचंड रहा है, और सारा हिमालय और हिमालय का कण कण मेरे निखिलेश्वरानंद के नाम से और मेरे व्यक्तित्व से परिचित है। जो भी उच्च कोटि के योगी और सन्यासी हैं उनको निखिलेश्वरानंद का नाम स्मरण है, उनको उनका परिचय ज्ञात है और वे उतनी श्रद्धा और स्नेह के साथ उनके चरणों में समर्पित हैं। हिमालय का ऊंचे से ऊंचा योगी भी इस बात को सौभाग्य मानता था कि यदि हमें जीवन में निखिलेश्वरानंद जी शिष्य मान ले। वह तो मेरा एक सन्यासी रूप था और सन्यासियों की कसौटी अलग होती है, और आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ में भी मैं अपने आप को अपने इस रूप से बचाना ही चाहता था, अलग रखना चाहता था और एक सामान्य जीवन ही व्यतीत करता हूं, मगर कोई अपने आप को छुपा सकता नहीं। इसलिए तुमने प्रश्न किया कि क्या आप हमें सिद्धाश्रम ले जा सकते हैं, और मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या आप मेरे साथ सिद्धाश्रम चलने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कोई कठिन और दुष्कर कार्य नहीं है। इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं कि उसमें श्रद्धा हो, समर्पण हो और अपने आप में पूर्णता के साथ उसमें लीन हो जाने की क्रिया हो। यदि यह कसौटी तुम्हारे पास है तो जिस प्रकार से मैंने सैकड़ों सन्यासियों को सिद्धाश्रम में ले जा सका हूँ, उस प्रकार से गृह शिष्यों को भी ले जा सका हूँ और ले गया हूँ और आपको भी ले जा सकता हूँ, मगर इसमें तो कोई दो राय नहीं कि संपूर्ण हिमालय इस बात को गर्व करता है कि एक अत्यंत तेजस्वी और प्रखर व्यक्तित्व निखिलेश्वरानंद का रहा है और जिसने अपने जीवन में सैकड़ों बार सिद्धाश्रम गए और आए और अपने शिष्यों को ले जा सके। शायद जितना शिष्यों को मैं ले जा सका हूँ, जितने अधिक रूप में, उतने शायद किसी और की हिम्मत और क्षमता रही नहीं, क्योंकि पूरे जीवन में अपनी क्षमता और ताकत और साहस और प्रचंडता के बल पर ही मैंने हिमालय को रौंदा है, उसको देखा है और उच्च कोटि के तांत्रिकों, योगियों, सन्यासियों को झुकते हुए अनुभव किया है। और उन लोगों को अगर मैं सिद्धाश्रम में ले जा सका हूँ, हिमालय के दर्शन करवा सका हूँ, तो आपको भी ले जा सकता हूँ। सैकड़ों साधिकाओं को ले जा सका हूँ तो मैं आपको भी ले जा सकता हूँ, मगर वहां के जो सिद्धाश्रम के योगी हैं वे अत्यंत परेशान हैं कि आप सारे शिष्यों को उठा करके यहाँ ले आएंगे तो ये सिद्धाश्रम की हालत क्या हो जाएगी, मगर मैं इस बात की चिंता करता नहीं। मेरे जीवन का जो ध्येय और एक लक्ष्य है कि मैं अधिक से अधिक शिष्यों को, साधिकाओं को सिद्धाश्रम ले जा सकूँ
उनके दर्शन करवा सकूं और उनमें वो क्षमता पैदा कर सकूं कि वे जा सकें और आ सकें, जिससे कि वे जीवन का भौतिक सुख भी देख सकें, जीवन के आध्यात्मिक आनंद को भी प्राप्त कर सकें। वास्तव में सिद्धाश्रम और निखिलेश्वरानंद अपने आप में एक दूसरे का पर्याय है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं निखिलेश्वरानंद हूँ इसलिए मैं अपना कोई गर्व या घमंड बता रहा हूँ। मैं तो अगर आपकी आंख पर अगर पर्दा है तो उसको दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यदि कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि मैं साक्षात ब्रह्म हूँ और मैं नदियों में गंगा हूँ और मैं वृक्षों में कल्पवृक्ष हूँ, तो वो कोई घमंड नहीं कर रहा है, वह अर्जुन की आंख पर से पर्दा हटा रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं निखिलेश्वरानंद हूँ और सारे हिमालय का कण कण मुझसे परिचित है और मेरे गौरव से, मेरे प्रहार से और मेरी चेतना से आप्लावित है, मेरी तपस्या से अभिभूत है, और ऊंचे से ऊंचा योगी इस बात पे गर्व करता है कि मैं निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूँ, वे हजारों शिष्यों के बीच में वह गर्व से ऊंचा सिर करके खड़ा होता है, तो यह सत्य है और यथार्थ है। और ऐसा ही तुम जीवन प्राप्त कर सको, ऐसे ही जीवन की अद्वितीयता प्राप्त कर सको, तुम अपने आप में उस कसौटी पर कर सको, तो तुम्हारी उम्र या तुम्हारा जीवन या तुम्हारी भौतिकता कोई भी बाधक नहीं बन सकती, मगर तुम उस जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हो। और ऐसा व्यक्तित्व अत्यंत कठिनाई से प्राप्त हो सकेगा। मैं नहीं कह सकता कि मैं कितने समय तक ग्रस्त जीवन में रहूंगा या किस समय मैं एक दिन से वापस संन्यास जीवन में चला जाऊंगा, मगर जो क्षण आपके साथ में है उस क्षण तक यदि आप वह उपलब्धियां प्राप्त कर सकें जिसके माध्यम से आप मेरे साथ सिद्धाश्रम में जा सकें, तो फिर मृत्यु आपको स्पर्श नहीं कर सकती, फिर जीवन की बाधाएं परेशानी आपको छू नहीं सकती, फिर जीवन की कठिनाइयां आपके सामने आ नहीं सकती, और जीवन का जो आनंद और जो तृप्ति और जो मस्ती और जो चैतन्यता प्राप्त कर सकेंगी उसका वर्णन, उसका विवरण और उसकी तुलना इस संसार में कहीं हो ही नहीं सकती। और मैं बहुत क्षमता के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मैंने सैकड़ों सन्यासी शिष्यों और साधिकाओं और शिष्याओं को सिद्धाश्रम में ले जा सका हूँ और कई लोगों गृहस्थ शिष्यों और साधिकाओं को भी ले जा सका हूँ, तो मैं आपको भी ले जाने में समर्थ हूँ। कसौटी मैंने आपको बता दी है और आपने व्यक्तिगत रूप से निखिलेश्वरानंद का ही पूछ लिया है, तो मुझे इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि मैं नित्य अपने सूक्ष्म शरीर से और सर्वदेह अपने शरीर के साथ सिद्धाश्रम में जाता हूँ, विचरण करता हूँ, वहां भी सन्यासियों को दीक्षा देता हूँ, उनको रास्ता दिखाता हूँ, उनको साधना सिखाता हूँ और वापिस इस जीवन में भी आता हूँ। अत्यंत सामान्य सरल जीवन जीता हुआ, आपके ऊपर एक पर्दा सा डालता हुआ आपको भी ज्ञान और चेतना देता हूँ। पर्दा इसलिए कि जिस क्षण आप मुझे पहचान लेंगे उस क्षण आप में बहुत विरह बढ़ जाएगा, बहुत विवलता बढ़ जाएगी, बहुत बेचैनी बढ़ जाएगी, एक क्षण भी आप मेरे बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकेंगे। जहां भी रहेंगे हर क्षण मैं आपकी आंखों के सामने खड़ा रहूंगा, हर क्षण मेरा दृश्य आपकी आंखों के सामने प्रतिबिंबित रहेगा, फिर तुम मुझसे जुदा रहने की कल्पना कर नहीं सकोगे, फिर क्षण एक भी अलग होने की स्थिति नहीं बन सकेगी। क्षण तुम्हारे जीवन में आए, ऐसी स्थिति आए कि मैं तुम्हारे हृदय में साथी हो सकूं, ऐसा हो सके कि तुम मुझमें पूर्णतः लीन हो सको, और इसीलिए मैं पर्दा बनाए रखता हूँ कि तुम बेचैन नहीं हो, विरह में व्याकुल नहीं हो जाओ, तुम्हारी आंखों में आंसू छलछलन नहीं लग जाए, तुम्हारे चेहरे पर एक कोज नहीं हो जाए। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों के सामान्य जीवन में खड़ा हो जाता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आप मेरे साथ सिद्धाश्रम पहुँच सकें। मैं आपको एक बार पुनः हृदय से, आत्मीयता से, प्रेम से और अपने हृदय से स्पर्श देता हुआ आशीर्वाद।